सो हे गाइज, अगर आप भी वेट कर रहे हो इस ईयर के मोस्ट अवेटेड स्मार्टफोन वन प्लस नॉर्ड का, तो आज की वीडियो आपको पूरा जरूर देखनी चाहिए। बिकॉज आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपके काफी सारे डाउट्स क्लियर कर दूंगा वन प्लस नॉर्ड को लेकर। बिकॉज इस डिवाइस को लेकर ऑफिशियली बहुत सारी ऐसी चीजें क्लियर हुई हैं जो कि आपको बहुत ही अच्छी लगेंगी, और कई सारी ऐसे कन्फ्यूजन भी क्रिएट हुए हैं जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा डिसअपॉइंटिंग फील भी होगा, और काफी सारी चीजें ऐसी हैं जिनको सुनकर आपको काफी ज्यादा खुशी भी होने वाली है। सो अगर आप भी सब कुछ डिटेल में जानना चाहते हो वन प्लस जी, वन प्लस नॉर्ड, वन प्लस एट लाइट या फिर प्लस ETC के बारे में, तो इस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक जरूर देखना। सो हे गाइस, मैं हूं सियोम और आप देख रहे हो टेक हेल्पर सियोम YouTube चैनल। वीडियो को स्टार्ट करें उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि ऐसे कमाल के वीडियोस हम लेकर आते रहते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते बिना टाइम वेस्ट किए और बात करते सबसे पहले वन प्लस नॉर्ड के कुछ डिसअपॉइंटिंग और बहुत ही कंफ्यूजन वाले पॉइंट के बारे में। सो गाइस, अभी ये डिवाइस इंडिया के अंदर लॉन्च नहीं हुआ है, दैट मींस कि अभी आप इसे बाय तो नहीं कर पाओगे, बट अमेज़न पर जैसे ही आप वन प्लस नॉर्ड सर्च करते हो तो यहां पर आपको प्री ऑर्डर का ऑप्शन देखने को मिलेगा, मतलब कि इस स्मार्टफोन को लेकर प्री ऑर्डर स्टार्ट हो चुका है। और गाइस, मैं कहूंगा कि प्री ऑर्डर वाली ये जो चीज होती है ना, बहुत ही खतरनाक होती है। और अगर आप सोच रहे हो कि इस स्मार्टफोन को प्री ऑर्डर कर देते बिना कुछ जाने और बिना कुछ समझे, तो मेरे अकॉर्डिंग आपको थोड़ा सा वेट और कर लेना चाहिए। बिकॉज गाइस, जैसे आप प्री ऑर्डर करोगे तो यहां पर अभी कोई भी ऑफिशियल ये कंफर्म नहीं हुआ है कि इस डिवाइस के अंदर क्या कुछ स्पेक्स होने वाले हैं। हालांकि बहुत सारे स्पेक्स क्लियर हो चुके हैं, बट ये भी कंफर्म नहीं हुआ कि इस फोन की प्राइसिंग क्या कुछ रहने वाली है। जी हां दोस्तों, और सबसे ज्यादा मैटर यही करता है कि ये स्मार्टफोन किस प्राइसिंग पर आने वाला है। तो आपके मन में ये डाउट जरूर हुआ होगा कि अभी ये स्मार्टफोन किस प्राइसिंग पर आएगा। सो गाइस, पहले स्टार्टिंग में OnePlus ने कंफर्म कर दिया था हिंट दे करके कि ये स्मार्टफोन 25,000 से नीचे आने वाला है। और अब OnePlus ने रिसेंटली इस डिवाइस के कुछ नए प्राइसिंग को बता करके काफी ज्यादा कंफ्यूजन को बढ़ा दिया है। जी हां गाइस, यहां पर OnePlus ने कंफर्म किया कि ये डिवाइस $500 यानी $500 से नीचे आने वाला है, और OnePlus का एक पहला स्मार्टफोन होगा जो कि $500 से नीचे आएगा। अब अगर आप इसे इंडियन रुपीस में कन्वर्ट करो तो ये करीब आपको 40,000 के करीब देखने को मिलता है। दैट मींस कि 40,000 के नीचे OnePlus का नॉर्ड देखने को मिलेगा। तो ऐसे में अब कंफ्यूजन ये बन जाती है कि क्या ये डिवाइस 30,000 के अंदर आएगा, क्या ये डिवाइस 35,000 के ऊपर देखने को मिलेगा, या फिर क्या ये डिवाइस 40,000 के ऊपर देखने को मिलेगा। तो बहुत सारी कंफ्यूजन है। तो ऐसे में अगर आप प्री ऑर्डर करने की सोच रहे हो तो गाइस, मेरे हिसाब से आपको थोड़े दिन और वेट कर लेना चाहिए, क्योंकि ये डिवाइस 10 जुलाई से पहले इंडिया के अंदर कंफर्म देखने को मिल जाएगा। सारे स्पेक्स अमेज़न पर आपको देखने को मिल जाएंगे और उसके अकॉर्डिंग प्राइस भी देखने को मिल जाएगी। देन उसके बाद अगर ये फोन अच्छे प्राइसिंग पर आता है तो मेरे ख्याल से ऑर्डर करना ज्यादा बेस्ट होगा। लेकिन आप क्या कहते हो प्राइसिंग के बारे में, क्या कुछ प्राइसिंग होनी चाहिए? बट मेरे अकॉर्डिंग इस फोन की जो प्राइसिंग है 30,000 से ऊपर तो नहीं ही होनी चाहिए। लेकिन गाइस, अब हम बात करते हैं OnePlus Nord के कुछ कंफर्म चीजों के बारे में। तो पहले नंबर पर आता है इस स्मार्टफोन का नेम। तो गाइस, बहुत दिनों से कंफ्यूजन बनी हुई है कि इस स्मार्टफोन का क्या कुछ नाम रहने वाला है, OnePlus G होगा, OnePlus Nord होगा या फिर OnePlus 8 Lite होगा। तो भाई, OnePlus ने अब ये कंफर्म कर दिया है कि इस डिवाइस का जो नेम होने वाला है वो ऑफिशियली OnePlus Nord ही होने वाला है। और गाइस, कुछ दिन पहले अमेज़न पर OnePlus ने एक वोटिंग रखा था जहां पर ये पूछा गया था कि OnePlus G होना चाहिए या फिर OnePlus Nord। तो इंडिया के अंदर मैक्सिमम लोगों ने बोला था OnePlus G, लेकिन फिर भी OnePlus Nord के नाम से इसे OnePlus लेकर आ रहा है, जो कि मुझे थोड़ा सा अजीब लगा। बाकी गाइस, इस स्मार्टफोन के नेम को लेकर ये कंफर्मेशन कैसे मिली? तो इस स्मार्टफोन का जो ऑफिशियल पेज आपको देखने को मिलेगा Instagram पर OnePlus Nord के नाम से ही, जहां पर ये कंफर्म कर दिया गया कि इस स्मार्टफोन का जो नेम होगा वो OnePlus Nord ही होने वाला है। तो अभी तक जितनी भी रिपोर्ट्स या फिर इंफॉर्मेशन है उसके अकॉर्डिंग ये कंफर्म हो चुका है 100% कि इस डिवाइस का नेम OnePlus Nord ही होने वाला है। और इस चीज को लेकर मैंने अपने लास्ट वीडियो के अंदर ही बात किया था। और गाइस, मैंने बात किया है Instagram का, तो एक बार आपको याद दिला दूं कि यार मुझे भी आप Instagram पर फॉलो कर सकते हो, जहां पर ये सारी चीजें मैं आपको बहुत जल्दी बता देता हूं, मतलब वीडियो बनाने से ही पहले, तो वहां पर आप फॉलो करना ना भूले। बाकी गाइस, हम बात करें अपने अगले कुछ कंफर्म चीजों के बारे में जो कि निकल कर आता है OnePlus के कुछ बहुत ही कमाल के स्पेसिफिकेशंस को लेकर। तो गाइस, अभी रिसेंटली OnePlus ने कंफर्म कर दिया है कि इस डिवाइस के साथ आपको डुअल पंच होल वाला एक डिस्प्ले देखने को मिल जाएगा। जी हां दोस्तों, जहां पर डिस्प्ले के अंदर आपको 90Hz रिफ्रेश रेट का सपोर्ट मिलेगा, OLED पैनल के साथ ये डिस्प्ले आने वाली है, और डिस्प्ले के अंदर आपको इन डिस्प्ले फिंगरप्रिंट सपोर्ट भी देखने को मिल जाएगा। बाकी ये डिस्प्ले फ्लैट डिस्प्ले होने वाली है, किसी भी तरीके की कर्व नहीं मिलेगी ये डिस्प्ले। लेकिन अगर बात करें इस फोन के कुछ कंफर्म डिसअपॉइंट चीजों के बारे में, तो गाइस वो है इस फोन के अंदर 3.5mm जैक का ना होना। जी हां, ये कंफर्म हो चुका है कि 3.5mm ऑडियो जैक यानी हेडफोन जैक इस फोन के अंदर नहीं होगा। और भाई, OnePlus के डिवाइस के अंदर ये कोई नई चीज नहीं है, बट मेरे अकॉर्डिंग ये एक लाइटर डिवाइस था, तो यहां पर 3.5mm ऑडियो जैक देना चाहिए था, जो कि यार माइनस पॉइंट बन जाता है इस फोन के। और साथ ही साथ इस डिवाइस का चिपसेट भी बिल्कुल कंफर्म हो चुका है कि इस डिवाइस के साथ आपको देखने को मिलेगा स्नैपड्रैगन 760 5G चिपसेट, जो कि 5G इनेबल्ड होने वाला है। और गाइस, बहुत सारे लोगों ने मुझसे कमेंट करके ये पूछा था कि भाई हमें रियलमी X3 लेना चाहिए या फिर OnePlus G का वेट करना चाहिए, OnePlus Nord का वेट करना चाहिए। तो ऐसे में मैं उन लोगों को बहुत ज्यादा कंफ्यूज ना करते हुए बहुत ही क्लियर कर देता हूं कि भाई स्नैपड्रैगन 855 प्लस चिपसेट, जो कि आपको रियलमी X3 और X3 सुपर जूम के अंदर देखने को मिला है,
है वो कहीं ना कहीं ज्यादा पावरफुल है स्नैपड्रैगन 765G से, बिल्कुल कंफर्म है। तो ऐसे में अगर आपको एक गेमिंग फोन चाहिए तो आप रियलमी X3 की तरफ जा सकते हो, लेकिन OnePlus Nord के अंदर आपको 5G इनेबल्ड CPU देखने को मिलेगा, ऑक्सीजन OS जैसा स्मूथ और एड फ्री UI देखने को मिलेगा। साथ ही साथ ये फोन एक बहुत ही कमाल के ब्रांड वैल्यू के साथ में आता है जो कि OnePlus की बहुत ही अच्छी बात हो जाती है, और सॉफ्टवेयर अपडेट भी आपको बहुत ही टाइमली देखने को मिल जाएंगे। तो ओवरऑल अगर जीतने की बात करें तो वो कंफर्म होगा इनके प्राइसिंग से। तो मेरे ख्याल से आपको प्राइसिंग का वेट करना चाहिए, OnePlus Nord अगर अच्छे प्राइस पर आता है तो इस प्राइस मतलब 20 से लेकर 30,000 के अंदर भाई कोई भी नहीं रहने वाला है। लेकिन OnePlus Nord के कुछ कंफर्म स्पेक्स की बात करें तो ये डिवाइस 4000mAh बैटरी के साथ 30 यानी 30 वाट के फास्ट चार्जिंग सपोर्ट के साथ में आने वाला है। बाकी गाइस ये स्मार्टफोन कुछ इसी तरीके के स्पेक्स के साथ और कुछ यही चीजों के साथ आने वाला है। और गाइस इस फोन की जो प्राइसिंग बनी हुई है वो बहुत ही ज्यादा कंफ्यूजन बनी हुई है, जहां पर थोड़ा सा लोगों को ये डिसपॉइंट करता है। और मेरे अकॉर्डिंग इस डिवाइस की प्राइस 25 से 30,000 के करीब ही आनी चाहिए। हालांकि आप क्या कहते हो प्राइस के बारे में नीचे कमेंट करके हमें सपोर्ट कर सकते हो। और अगर फाइनली वीडियो में कुछ भी अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके हमें पूरा फुल सपोर्ट कर सकते हो, और साथ में बेल आइकन को प्रेस कर सकते हो ऐसे ही फर्दर अपडेट्स के लिए। तो मिलते एक नया और कमाल के वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, कीप वॉचिंग।